नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिनके जरिए बता दें आपको आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं जैव उर्वरकों के बारे में। फिर आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सफल किसान राजेंद्र पूनिया से और फिर हम आपको बताएंगे पाम ऑयल मिशन के बारे में और साथ ही कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भी कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रचार प्रसार हेतु मास मीडिया विभाग निरंतर कार्यरत है और बता दें आपको इस विभाग द्वारा आत्मा योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस दिशा में क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि मंत्रालय के विस्तार विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर बलराम सिंह। आइए आपको दिखाते हैं। भारत सरकार द्वारा जो कि कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण विभाग और विस्तार प्रभाग के अंतर्गत आत्मा योजना का प्रारंभ 2005 में किया गया था। इस योजना में इस समय 704 जनपद शामिल किए गए हैं और ये 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित है। इस किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो राज्यों की कृषि विस्तार प्रणाली है उसको सुदृढ़ करना, रिवाइटलाइज करना तथा एक सशक्त किसान विस्तार सेवाएं प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। राज्य सेवा को प्रभाव, इसके अलावा नई संस्थागत कृषि विस्तार व्यवस्था जो कि आत्मा के नाम से इस समय चल रही है, इसका नियोजन में किसानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे जो मेन ग्रास रूट लेवल इश्यूज वो हमारी योजना में शामिल हों। केंद्र राज्य के अलावा वर्ष 2005 इसको हम सभी लेवल पे राइट फ्रॉम स्टेट लेवल टू विलेज लेवल एक सिस्टम, नई व्यवस्था क्रिएट की गई है जिसको आत्मा मॉडल के नाम से जाना जाता है। 1998 से 2005 तक पायलट टेस्ट हुई है, उसके बाद कुछ जो की एक्सटेंशन रिफॉर्म्स हैं उनके उसमें शामिल किया गया है। उसी के बेस पे किसानों के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ये किसानों को एम्पावर कर रही है जानकारी के माध्यम से, जिसमें मुख्यतः अब तक 6 करोड़ से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। विभिन्न गतिविधियों जैसे कृषक भ्रमण, कृषक प्रशिक्षण, किसान गोष्ठी, किसान मेले, वैज्ञानिक कृषि परिचर्चा, प्रदर्शन, फार्म स्कूल और ऐच्छिक संगठन फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स, कॉमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स और वीमन न्यूट्रिशनल फूड ग्रुप्स आल्सो, और ये सभी ग्रुप आगे जाके फेडरेट होके एफपीओ को शामिल हो रहे हैं। कई राज्यों में एफपीओ बनाने में इनको सुविधा मिल रही है और इस योजना के माध्यम से किसान लाभान्वित हो रहे हैं और अपने एफपीओ भी बना रहे हैं। आत्मा स्कीम का जो बजट का पैटर्न है वो केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 है और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र का बजट है। आज तक आत्मा में हजारों की संख्या में सफलता की कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। सभी राज्य इनको अपने विभिन्न किसानों को बांटते हैं, जिससे और किसान भी प्रेरित होकर प्रेरणा लेते हैं और आधुनिक कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी आमदनी
बढ़ा रहे हैं। योजना की अधिक जानकारी हेतु किसान भाई नज़दीक के ब्लॉक तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला कृषि कार्यालय से भी जानकारी ले सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में जैव उर्वरकों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हमारे किसान जानते हैं लेकिन इन्हें अपनाते नहीं हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें वैज्ञानिकों की सलाह इस पर मिल जाए। तो आइए इसी के संदर्भ में आपको अहम जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की यही वो इमारत है जिसमें जैव उर्वरक तैयार होते हैं और ये है जैव उर्वरक तैयार करने की प्रयोगशाला। जैव उर्वरक दरअसल मिट्टी से निकाले गए छोटे छोटे जीव है। इस प्रयोगशाला में उन्हें तरल के रूप में बोतलों में भरा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से चार तरह के टीके बन रहे हैं, राइजो टीका, एजो टीका, फास्फो टीका और बायो टीका। यहाँ पे हम बनाते हैं वो चार तरह के टीके बनाते हैं, जैसे राइजोटिका, एजोटिका, फोस्फोटिका, बायोटिका। राइजोटिका है जो हमारी दालें हैं, दालों में ये टीके का काम करता है और नाइट्रोजन फसलों को देता है। उसके बाद एजोटोबैक्टर है, ये हमारी जो गेहूँ है या ऐसे ही सीरियल्स हैं, अनाज वाली जो फसलें हैं उनके लिए हम ये टीका बनाते हैं। उसके बाद जो फोस्फोटिका है, ये क्योंकि फोस्फोरस सभी पौधों को चाहिए होता है तो सारी फसलों के लिए हम ये बनाते हैं फोस्फोटिका। और बायोटिका जो पौधों में बीमारियां होती हैं वो बीमारियां कम आएँ अगर बायोटिका की आप ट्रीटमेंट देते हैं, किसान भाई अगर इसको खेत में यूज़ करते हैं। उर्वरकों का काम फसलों की पैदावार बढ़ाना होता है लेकिन जैव उर्वरक एक कदम आगे है। ये बीमारियों से भी लड़ते हैं, खेत में नमी भी बनाए रखते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बेहतर करते हैं। इन उर्वरकों के इस्तेमाल से फसल को 25% कम यूरिया की जरूरत होती है, यानी ये लागत को भी कम करते हैं। एक लीटर जैव उर्वरक की कीमत है सिर्फ 200 रुपए। अब सवाल उठता है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। इसका लगाने का तरीका है कि ये फसल तक पहुंच जाए, तो सबसे बढ़िया जैसे तरीका मैंने आपको बताया वो है बीज को उपचार करना। आप जैसे गेहूं में हमें गेहूं को उपचार करना है तो 10 किलो बीज तक 50 मिलीलीटर की जो बोतल है हमारी सबसे कम पैकिंग है 50 मिलीलीटर की वो आप इस्तेमाल करें। 250 मिलीलीटर पानी लें, उसमें 50 ग्राम गुड़ घोलें, गुड़ जैगरी या घर में चीनी है ये चीज़ें आप घोलें और उसका घोल बना लें। 10 किलो बीज हैं उनको अच्छे से फैला लें चादर की सतह पर। उसके बाद जो 250 मिलीलीटर का जिसमें हमने गुड़ डाल के घोल बनाया है उसको छिड़कें और अच्छे से उसको मिला लें। अब जो हमारा बीज है वो उसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी उसकी और चिटपटा हो जाएगा। उसका पर्पज़ क्या है कि जब उसके ऊपर हम जब कल्चर डालते हैं तो कल्चर सारा का सारा जो हर एक सीड है उसके साथ लगेगा और जो बैक्टीरिया उस गुड़ के कॉन्टैक्ट में आएगा वो गुड़, क्योंकि गुड़ खाने का काम करेगा बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया उसको यूज़ करेगा और बीज के साथ ही जाएगा। और बीज जैसे ही मिट्टी में जाएगा, जैसे जैसे बीज उगेगा उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया हमारा पहुंच जाएगा और वहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा और एक बैक्टीरिया के लिए मित्र का काम करेगा और जीवाणु खाद उसको प्रदान करेगा। इस तरह फसलों को जहरीले रसायनों से बचाने में जैव उर्वरक आगे चलकर और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा।
कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हरियाणा के हिसार के हमारे सफल किसान राजेंद्र पुनिया से। इन्होंने एक मशीन तैयार की है जिसका नाम इन्होंने रखा है बिनोई मशीन। आइए क्या कुछ खास हो रहा है इस मशीन के चलते, किस तरह से ये मदद कर रही है इनकी, दिखाते हैं आपको। ये कोई मामूली मशीन नहीं है, धान के किसानों के लिए इसे वरदान कहा जा सकता है। ये विनोइंग मशीन है और धान को ओसाने का काम करता है। ट्रैक्टर के साथ कपलिंग के जरिए चलने वाली ये मशीन एक घंटे में 70 से 80 क्विंटल तक धान ओसा सकती है। हालांकि इस तरह की और भी कई मशीनें बाजार में हैं, लेकिन वो 25 क्विंटल तक ही ओसा पाती है। इस तरह ये मशीन मजदूरी की भी बचत करती है, डीजल की भी और समय की भी, बल्कि इससे धान ओसाना बहुत आसान है। घर की महिलाएं भी आराम से काम कर सकती हैं। आप देख ही रहे हैं कि ओसाने के बाद धान सीधे ट्रॉली में जा रहा है। इसे तैयार किया है इस शख्स ने, नाम है राजेंद्र पुनिया। इनका संबंध किसान परिवार से ही है और ये मशीन इन्होंने खुद तैयार की है बगैर किसी मदद के। जब हम खेत में काम करते हैं, जो जो हमारी फसलें होती हैं, उनको कंबाइन से हार्वेस्टिंग से कटाई करने के बाद में या फिर लेबर से अनाज निकालने के बाद में जो हमारी फसल है उसमें काफ़ी कचरा रहता है और जो मंडियों में हम उसको लेके जाते हैं तो काफ़ी तरह का हमारा समय भी बर्बाद होता है और वहाँ पे हमारी फसल अच्छी सफाई ना होने के कारण हमें वाजिब या बढ़िया दाम नहीं मिल पाते और मंडियों में वहाँ पे जो फैन लगते हैं उनको साफ करते हैं तो वहाँ पे हमारे इतनी फसल आती है और साइड में कचरा निकल के गिर जाता है, जो कि वहाँ पे हमारे अनाज को रखने में दिक्कत आती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी ये जो विनोइंग मशीन है इसका निर्माण किया है। जैसे उसका फसल को खेत में लेके जाते हैं तो खेत से लेके जाने के बाद में मंडी में एक तो कचरा जाता है और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है और
किसान को वाजिब दाम न मिलने के कारण काफ़ी परेशान होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो मशीन का निर्माण किया है, इसमें एक तो लेबर की बचत है, एक या दो आदमी किसान अपने परिवार से ले सकता है और इसमें साइड में हमने जो एलिवेटर लगाया है उसके अंदर अनाज को डालना पड़ता है। इसकी कैपेसिटी एक घंटे के अंदर 70 से 80 क्विंटल की है, जो कि पहले आम जो पावर फैन मार्केट में है लगभग 40 से 50 मन यानी 20 से 25 क्विंटल तक ही साफ कर पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मशीन का जो निर्माण किया है वो बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी मेंटेनेंस के इस हिसाब से तैयार किया है ताकि फार्मर जो है पूरे फील्ड में किसी तरह कैसे चलाते रहे, उसको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। मशीन तैयार हुई तो काफी लोगों को पसंद आई। फिर किसी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करने की सलाह दी। वहाँ भी इंजीनियरों को पुनिया की ये मशीन बहुत पसंद आई। उन्होंने छोटे मोटे सुझाव दिए जिसके बाद ये मशीन और भी बेहतर बन गई। विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र है जिसका काम कृषि नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। उष्मायन केंद्र ने पुनिया की मशीन को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया। केंद्र की मदद से ही राजेंद्र पुनिया ने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, मशीन का पेटेंट कराया और मार्केटिंग का हुनर सीखा। यह एक आम रूरल एंटरप्रेन्योर है जो कि एक किसानी परिवार से मेल खाता है और इन्होंने विनोइंग मशीन डिजाइन की है और हमारे HAU के साइंटिस्ट ने और एबिक टीम ने इनका भरपूर सहयोग कर आज इनको एक नए मुकाम पर पहुँचाने की कोशिश की है, जिसकी बदौलत आज बाजार में ये 30 से ज़्यादा विनोइंग मशीन अपनी बेच चुके हैं और इनकी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। सरकारी मदद के बाद अब राजेंद्र पुनिया ज्यादा मशीनों का निर्माण कर पा रहे हैं। अब तक 30 के करीब विनोइंग मशीनें बनाकर बेच चुके हैं और इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 लाख से भी ऊपर है। इस मशीन में दो एलिवेटर लगे हैं और 360 डिग्री पर घूमने वाली छलनी भी। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो उसे छुपाकर बिल्कुल भी मत रखिए। आगे बढ़िए, सरकार आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने, देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके
इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है, इसीलिए हम भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने का। हमारे सेगमेंट में आज हम आपको एक ऐसे मिशन के बारे में बताने वाले हैं जो देश में कृषि के क्षेत्र में ही बदलाव ला रहा है। जी हाँ, इसका नाम है पाम ऑयल मिशन। पहले जहां हम खेतों का आयात करते थे, अब इस मिशन के चलते इसमें हम लगातार कमी देख रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं इस दिशा में। आइए इसी के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य देश के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। पोषण युक्त आहार में खाद्य तेल भी शामिल है। देश में सालाना प्रति व्यक्ति 19 किलो खाद्य तेल का सेवन होता है। इसी आधार पर भारत में हर साल 2,54,00,000 टन खाद्य तेल की खपत होती है, लेकिन हम अपनी जरूरत के महज 40% तेल का ही उत्पादन कर पा रहे हैं। बाकी 60% यानी 150,00,000 टन तेल हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा है। इस आयात में भी 60% यानी 90,00,000 टन पाम ऑयल है। भारत में वनस्पति तेल के लिए 9 तिलहनी फसलें हैं। इनमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, बिनौला, नारियल और पाम ऑयल के नाम लिए जा सकते हैं। खाद्य तेल का आयात घटाने के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी है। 11,040 करोड़ की ये योजना मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है। योजना का उद्देश्य पाम का रकबा 10,00,000 हेक्टेयर तक बढ़ाना है। 2026 तक 6,50,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इस समय की बात करें तो सिर्फ 3,70,000 हेक्टेयर पर ही पाम के पेड़ लगे हैं। सरकार को उम्मीद है कि 2026 तक कच्चे पाम ऑयल की पैदावार 11,20,000 टन और 2030 तक 28,00,000 टन तक पहुंच जाएगी। वैसे कोशिशें रंग ला भी रही हैं। 2014-15 में जहां 2,75,00,000 टन तिलहनी फसलों का उत्पादन हुआ था, वहीं 2020-21 में ये बढ़कर 3,65,00,000 से भी ऊपर जा पहुंचा। आयात कम करने के लिए हमें घरेलू स्तर पर खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाना होगा। पाम के पेड़ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तिलहनी फसलों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर ताड़ के तेल का उत्पादन 10 से 46 गुना तक होता है। इसके अलावा एक हेक्टेयर की फसल से लगभग 4 टन पाम ऑयल निकलता है। ताड़ की खेती के लिए सरकार ने सहायता में बढ़ोतरी की है। पहले प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 29,000 रुपए कर दिए गए हैं। पुराने बागों को चालू करने के लिए भी 250 रुपए प्रति पौधा विशेष सहायता दी जा रही है। पौधरोपण सामग्री की कमी को दूर करने के लिए बीज उत्पादन करने वाले बागों को सहायता दी जाएगी। इसके तहत भारत के दूसरे इलाकों में 15 हेक्टेयर के लिए 80,00,000 रुपए, जबकि पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 1,00,00,000 रुपए का प्रावधान है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया, और इसी के साथ बता दें आज के हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बस इतना ही। चलते चलते एक अहम बात आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आप ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल आईडी नोट कीजिए, हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 1100।
0049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।